पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से राह ठान लेने के बाद से ही लगातार सिद्धू गांधी परिवार की परिक्रमा कर रहे हैं और उनसे अभेदान की आस लगा रखी है। इस बार सिद्धू पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जमे थे और वे राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे थे, पर इत्तेफाक से यह मुलाकात नहीं हो पाई। निराश सिद्धू वापस चंडीगढ़ लौट गए। सिर्फ सिद्धू की ही क्यों, ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं की यह आम शिकायत है कि राहुल या प्रियंका से मिल पाना उनके लिए टेढ़ी खीर है। राहुल और प्रियंका की किचन कैबिनेट हर वक्त उन्हें घेरे रखती है। राहुल गांधी को कौशल विद्यार्थी, अलंकार, के राजू, कनिष्क सिंह जैसे लोग हर वक्त घेरे रखते हैं, तो वहीं प्रियंका के भी कुछ खास लोग हर वक्त उनके आसपास होते हैं और कोई उनसे गुजर कर ही प्रियंका से मिल पाता है। जब से धीरज श्रीवास्तव की प्रियंका दरबार से छुट्टी हुई है, संदीप सिंह की वहां चल निकली है। सूत्रों की माने तो संदीप प्रियंका के न सिर्फ मीडिया सलाहकार हैं, बल्कि उनके भाषण लिखने में भी उनकी मदद करते हैं। कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र बताते हैं कि ये संदीप सिंह वही हैं जिन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेएनयू प्रवेश के वक्त काले झंडे दिखाए थे। एक और सूत्र का दावा है कि जब वाराणसी के चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका बाबा विश्वनाथ के दर्शन को गई थी और मंदिर से बाहर निकल रही थी, तो कहते हैं साथ चल रहे संदीप ने प्रियंका से कहा था कि वे अपने माथे पर लगे चंदन के टीके को पोंछ लें, क्योंकि यहां से सीधे उन्हें एक मुस्लिम बस्ती में चुनाव प्रचार को जाना है। जब राजनीतिक दृष्टि इतनी संकुचित हो तो किसी पार्टी का व्यापक जनाधार कैसे बन सकता है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।